अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मेरा होममेड गरम मसाला, जो मैं मोस्टली अपने खानों में यूज़ करती हूँ, ज़ाफ़रानी गरम मसाला। और इसमें सिंपल आज हम कुछ पकाएंगे नहीं, लेकिन इसमें सारी क्वांटिटी आप देख लें क्या क्या किस किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी यूज़ होती है। और सिंपल फिर मैं इसको कॉफ़ी ग्राइंडर में इसको पीस लूँगी नॉर्मली, लेकिन अभी आप इसकी क्वान्टिटी नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये देखें, इसमें तीन ये बे लीव्स हैं, तीन पीसेज हैं। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये तीन देखें, मैंने यहाँ पर ये बादियान के फूल भी कहते हैं और इसको स्टार लीव्स भी कह सकते हैं आप ड्राई। और इसके अलावा ये थोड़ी सी जावित्री है। और इतनी क्वांटिटी में ये देखें आप, सिर्फ इतनी ये जायफल की सिर्फ ये क्वांटिटी जाएगी। ज़्यादा हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि कड़वा हो जाता है। अगर हम ज़्यादा जायफल जावित्री डाल देंगे गर्म मसाले में तो वो एक कड़वा सा लुक देगा खुशबू के बजाय। इसके अलावा देखें ये तीन से चार ये देखें हमारी सिनेमन स्टिक्स हैं, ये जाएंगी इसमें। और ये चार से पांच लौंगे नज़र आ रही हैं आपको, ये जाएंगी। चार इसमें बड़ी वाली इलायची जाएगी और चार इसमें छोटी इलायची जाएगी। एक टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, ड्राई कोरिएंडर। वन टेबल स्पून इसमें मैंने एक सौंफ का ले लिया है, सौंफ खुशबू के लिए बहुत अच्छी होती है गर्म मसाले में। और वन एंड हाफ टेबल स्पून हमारा सफ़ेद ज़ीरा है, ये जाएगा इसमें। काली मिर्च है तकरीबन देखें, और ये काला ज़ीरा है। काली मिर्च की क्वांटिटी तकरीबन देखें ये 30 दाने समझ लें या हाफ टेबल स्पून है, और वन टी स्पून के करीब ये काला ज़ीरा है। ये दोनों मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं। अब ये सिंपल आप देख रहे हैं ये क्वांटिटी है। हम ज़्यादा गर्म मसाला इसलिए नहीं बना रहे, पहले मेरे पास बना हुआ रखा है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इतनी क्वांटिटी में बना रही हूँ। अब सिंपल मैं इसको कॉफ़ी ग्राइंडर में इसको पीस लूँगी और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मसाला देखें पूरा पिस चुका है, जितने इंग्रेडिएंट्स थे आपके सामने, और उन्हीं सभी इंग्रेडिएंट्स से ये बिल्कुल एक कंप्लीट ज़ाफ़रानी गरम मसाला है। इसकी खुशबू मैं महसूस कर सकती हूँ। आप लोग बनाइएगा घर में इसी रेसिपी इसी इंग्रेडिएंट्स से, और आप यकीनन आप देखेंगे कि आपके खानों में जब आप जो चाहते हैं कि खुशबूदार खाना बने वो असल गरम मसाले से होता है। इसलिए मैंने आपको गरम मसाला बनाना इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग को सही क्वांटिटी और सही म्यारी चीज़ें और उसकी खुशबू जो एक प्रॉपर पिसा हुआ गरम मसाला होना चाहिए उसमें मैं यूज़ ये करती हूँ। और आप लोग इसी रेसिपी से इसी इंग्रेडिएंट से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जब तक मैं कोई नेक्स्ट रेसिपी लेके आती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।